हाय गाइस, वेलकम टू कागेट। आई होप आप सब अपने घर पे हो, सेफ हो। आई एम आल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इससे पहले हमने वीडियो शूट की थी ह्यूंडई वेन्यू की, अभी हम बैठे हैं ह्यूंडई क्रेटा में। तो सही बोलूंगा तो उससे और इसमें ना मुझे बस लगा कि एक थोड़ी गाड़ी की लग्जरी का, थोड़ी उसकी स्पेस का और थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी मतलब एक बच्चा और एक बाप होता है ना जैसे, तो वही बिल्कुल ही वैसी लग रही है, बहुत ही सही लग रही है। तो अभी सामने से भी एक क्रेटा निकली, क्रेटा की सही बोलूंगा मार्केट में डिमांड काफी आ रही है। मुझे खुद क्रेटा की वीडियो से काफी कॉल्स आती हैं। जब से लॉन्च हुई है इंडिया में, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छी चल गई है। इको स्पोर्ट थी उस टाइम पे, उसके बाद फिर क्रेटा आई। अब इस सेगमेंट में हमारे को सेल्टॉस वगैरह भी मिल जाती है, इवन एमजी एक्टर भी अपने आपको इस सेगमेंट में बोलता है, बट एक्चुअली थोड़ी बड़ी है वो, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बैठते हैं गाड़ी में तो हमारे को एक स्पोर्टी सा स्टेयरिंग मिल जाता है। ये इसकी ये जो कटिंग हो रखी है ना, ये मतलब एक्चुअली इसमें हो नहीं रखी, हमेशा से हर एक ह्यूंडई में आती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। नीचे से आप ऐसे इसको होल्ड करके कर लो या ऊपर से पकड़ के कर लो, काफ़ी स्मूथ स्टेयरिंग है। क्रेटा का आपको पता ही है क्या होता है, कैसे होता है, तभी तो इतने सालों से चल रही है। और सेकेंडली इसका जो नेक्स्ट मॉडल है, जो अभी न्यूएस्ट मॉडल आया है, एक गाड़ी तभी ही अपने आपको अपग्रेड करती है जब उसका पुराने मॉडल्स जो है वो रनिंग होते हैं और वो चल रहे होते हैं। तो ह्यूंडई का भरोसा हमारे को मिल रहा है। क्रेटा की स्ट्रेंथ, क्रेटा की पावर आपको पता ही है क्या है, कैसी है। शुरू करते हैं इसके मिडिल वाले उससे। तो हमारे को बीच में बिल्कुल वेन्यू के जैसा एक स्क्रीन मिल जाती है, एमआईडी मिल जाती है, उसके बाद हमारे को यहाँ पे दो एनालॉग में मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हो उसमें 44,000 किलोमीटर से गाड़ी ड्रिवन है, विद सर्विस रिकॉर्ड हमारे पास ये अवेलेबल है। हमारे को क्रूज कंट्रोल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, हमारे को उसका कॉल्स उठाने के और वॉल्यूम बटन वगैरह अप डाउन करने के लिए मिल जाएंगे। अगेन जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप देख रहे हो एडजस्टमेंट्स हो रही है। तो हम आते हैं इसके सेंटर पैनल पे, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो हमारे को इसमें नीचे भी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी ये जो पैनल है ये खुद एक टच स्क्रीन है, अगर मैं इसे टैप करूंगा आप मेन्यू, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टलेस, ब्लूटूथ सेटिंग्स वगैरह आप ये सब देख सकते हो। बाकी इसका डिस्प्ले जो है आप ऑफ भी कर सकते हो बटन दबा के, फोन है, मीडिया है, एएम एफएम है, सब कुछ जो है आप इससे ही कंट्रोल कर सकते हो। बाकी टच भी है, ये भी है। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा शील्ड लगा रखी है पुराने ओनर ने, प्रीवियस ओनर ने, उससे क्या होगा ये तो जो है इंटैक्ट रहेगी। अभी थोड़ी वीडियो में शायद ब्लरी सी लग रही है बट एक्चुअल में ब्लरी नहीं है। मैंने भी ये नहीं हटाया, इनकेस आप लोगे आपको हटाने का मन है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। बाकी अब मैं बात करूँ नीचे की, तो हमारे को हमने भी एसी लो पे एडजस्ट कर रखा है एंड द कूलिंग इज रियली नाइस। मैनुअल में है ये गाड़ी। नीचे हमारे को 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ऑक्स मिल जाता है, ब्लू यूएसबी मिल जाता है। इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो एयरबैग की आप बैजिंग देख रहे हो, सिमिलरली इस साइड भी है। एंड ये है हमारा इसका ग्लव कंपार्टमेंट, लाइट मार के दिखाता हूँ, कुछ ऐसा लग रहा है। ये है डोर, इसका डोर काफ़ी बड़ा है। मतलब इससे पहले अगर आपने वेन्यू की वीडियो देखी होगी उसमें बस एक बॉटल होल्डर की कैपेसिटी थी, इसमें हमारे पास अच्छी खासी कैपेसिटी मिल रही है। बाकी डोर इसका उससे थोड़ा बेटर है, मतलब थोड़ा हैवी भी है। ट्वीटर्स ऊपर लगे हुए हैं, नीचे स्पीकर लगे हुए हैं डोर का। बाकी आप हैंडल देख रहे हो कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ये भी अगेन काफ़ी एक अच्छा, एक स्पोर्टी से, एक रगेड से फील देता है गाड़ी को। ऊपर की मैं बात करूँ तो हमारे को यहाँ पे ये मिल जाता है, ऊपर हमारे को जो है लैंप नहीं मिल रहा है कोई भी, ये मिरर मिल जाता है। अगेन मैं इसको ओपन करूँगी, मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो लाइट ऑन जब मैंने की तो यहाँ की भी लाइट ऑन होगी, अगेन पीछे वाली भी लाइट ऑन होगी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें बस आगे लाइट होती है या बस बीच में लाइट होती है। अब इसमें हमारे को क्या मिल रहा है, आगे भी मिल रहा है, पीछे भी मिल रहा है, पीछे की अलग एडजस्टमेंट भी मिल रही है। तो इनकेस आप दोस्तों वोस्तों के साथ आए हो, शाम को बैठे हो, कुछ खाने पीने का माहौल बन गया गाड़ी में, तो आराम से आप खाना देखते हुए खा सकते हैं। क्योंकि मुझे तो बड़ा फोमो, मतलब फोमो नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मेरे को दिख नहीं रहा होता ना मैं क्या खा रहा हूँ, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। चाहे मुझे पता है मैंने कहाँ से ऑर्डर करे क्या खाया, बट स्टिल अगर कोई रिलेट कर सकता है तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर देना। तो ठीक है यार, इसको बंद करता हूँ मैं, पुश करते हैं। ये हमारे को इसमें सनग्लास होल्डर भी मिल रहा है और वहाँ पे मैं भी मिल रहा हूँ। This is how it looks like. बाकी हमारे को ORVMs के भी कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट राइट मिरर एडजस्ट करने के लिए है, ये भी हमारे को मिल जाता है। डोर्स लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाएगा, ये सिंगल टच अप डाउन है बस हमारे को ड्राइवर में मिल रहा है, बाकी किसी और में नहीं मिल रहा। ड्राइवर की एक बार मैं डोर की बात करता हूँ, ओपन करता हूँ, पीछे से कोई नहीं आया है। तो ये कैपेसिटी की मैं बात कर रहा था, मतलब हमारे को यहाँ पे बॉटल होल्डर भी मिल रहा है, एक्सटर्नली हमारे को ये वाली कैपेसिटी भी मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी गाड़ी है अंदर से बाहर से बिल्कुल साउंडलेस है। अभी मैंने गाड़ी ओपन की थी, आपको बाहर का शोर आ रहा होगा, गाड़ी का कोई शोर नहीं है। इंटीरियर हमने सामने से तो बात कर लिया, मैं एक बार पीछे वाली सीट पे बैठता हूँ, वहाँ पे जाके भी आपको गाड़ी की बाकी सारी डिटेल्स बताता हूँ। बाय द वे ये गाड़ी की चाबी है, मैंने बाहर नहीं दिखाई थी। दिस इज हाउ द की ऑफ द कार लुक्स लाइक, ऐसे।
तो आगे भी और पीछे भी अच्छी खासी कूलिंग हो रखी है। पीछे भी मेरे को रियर एसी मिल जाता है, आगे तो हमने देख ही लिया था। फ्रंट रियर आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो अगर इन केस आपको ब्लोअर ऑफ करना है, इसको नीचे कर देना, ऑन करना है ऊपर कर देना। बाकी ये भी टर्नेबल है, आप इसको अपने साइड पे बीच में जहां मर्जी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। सो ये एडजस्टिंग वाली जो चीज़ होती है ना, मेरे को हमेशा से काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे भी हमारे, मैंने ये वाली सीट जो है थोड़ी ज़्यादा पीछे कर रखी थी, ये वाली हल्की आगे है। तो मैं नी रूम की बात करूँ तो मेरे को इसमें तो नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने सीट बहुत ही पीछे कर रखी थी। उस वाले में नी रूम मिल जाएगा यार, इससे पहले आपने वेन्यू भी देखी थी उससे आप कंपेयर कर ही सकते हो। मैं एक बार उधर बैठ ही जाता हूँ, कोई भी शक नहीं रहना चाहिए किसी के भी दिमाग में। सो दिस इज़ हाउ मच नी रूम आई गेट एंड That is how much legroom I get. बहुत ही ज़्यादा comfortable, at least venue से जिससे पहले अपनी वीडियो देखी होगी उससे तो बहुत ही ज़्यादा comfortable है। बाकी मैं उससे compare नहीं करना, पता नहीं मैं क्यों बार बार कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से दोनों Hyundai की है इसलिए मैं compare कर रहा हूँ, बट करना नहीं चाहिए। शायद एडिट कर दूंगा मैं वाला पार्ट। बीच वाली सीट पे मैं बैठ के दिखाता हूँ, बीच वाली सीट भी मेरे को कंफर्टेबल लग रही है। लॉन्ग जर्नीज के लिए नहीं, शॉर्ट जर्नीज के लिए ठीक है, हम दोस्तों से बात बात करते हुए जा सकते हैं, बट फैमिली के साथ भी बैठे हुए बात करके जा सकते हैं, बट मेरे को नहीं लगता लंबी जर्नीज के लिए कोई इसमें बैठ पाएगा, कंफर्टेबल इतनी नहीं है बीच वाले। यहाँ से भी बाहर निकलते हैं, केबिन लाइट मैंने आपको दिखा दी थी, ग्रैब हैंडल्स भी हमारे को मिल रहे हैं। डोर की भी एक बार, बैक साइड वाले डोर की एक बार बात कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ द रियर डोर ऑफ द कार लुक्स लाइक। आप देख रहे हो यहाँ पे अगेन मैट ग्रे में हमारे को मिल रहा है, नीचे हमारे को एक बॉटल होल्डर की कैपेसिटी मिल रही है और थोड़ा सा स्पेस एक्सटर्नल भी मिल रही है। ओके अगेन दिस इज हाउ द कार लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक। यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी के एक्सटीरियर बॉडी को डिस्कस करते हैं एंड गाड़ी की सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करते हैं। तो आ गए हम गाड़ी के बाहर, बाहर शोर बहुत मच रहा था, मैंने बोला था यार क्या करें, बट अब क्या करें, करना ही पड़ेगा, अंधेरा भी हो रहा है, ऑलमोस्ट 6:30 होने वाले हैं एंड कुछ नहीं कर सकते, अब थोड़ा सा सह लेना यार। बाकी पहले ही बता देता हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गाड़ी की सारी डिटेल्स है। वैसे मैं वॉक अराउंड ही देता हूँ और साथ साथ में थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करता हूँ, इन केस किसी को शोर से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं समझ सकता हूँ, सॉरी उसके लिए। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी सारी डिटेल्स है, वहीं से देख कर ही मेरे को कॉल करना है तो आप कर सकते हो। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल पे एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, अगेन जैसे Hyundai ने हमेशा ही करती है। उस साइड हमारे को रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, इस साइड हमारे को नहीं मिल रहा। 44,000 किलोमीटर से गाड़ी ड्रिवन है, उस हिसाब से आप गाड़ी की टायर्स की कंडीशन देख सकते हो। ट्रेड्स जो हैं वो विजिबल हैं, इजीली नहीं बोलूँगा, ट्रेड्स विजिबल हैं 60% तक मेरे को लग रहा है गाड़ी की जो है हमारे को एलॉयज की इसमें अभी लाइफ मिल जाएगी। दिस इज ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड पर फाइव द कार लुक्स लाइक, अगेन एक शाइनी बॉडी हमारे को मिल रही है, ऊपर हमारे को ग्रे कलर में रूफ रेल्स मिल रही है, एक डुअल टोन फिनिश मिल रही है गाड़ी को, है वैसे ही एक सिंगल टोन वाइट कलर में, बट नीचे जो बिटिंग हो रखी है वो ब्लैक है, ऊपर जो है वो ग्रे है, तो ऐसे करके डुअल टोन से फिनिश मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी पे। अब हम आ जाते हैं गाड़ी की बैक साइड पे, तो दिस इज ऑफ द बैक साइड ऑफ द कार लुक्स लाइक। क्रेटा की हमारे को बैजिंग मिल जाती है, Hyundai की बैजिंग मिल जाती है, SX की बैजिंग मिल जाती है, नीचे नंबर तो आप देख रहे हो, नंबर से आप गाड़ी की सारी हिस्ट्री वगैरह निकाल सकते हो। वैसे जो उसके सर्विस रिकॉर्ड्स है वो हमारे पास भी अवेलेबल है। ऊपर जो है हमारे को एक शार्क फिन में एंटीना मिल जाता है, एक बार मैं आपको बूट ओपन करके दिखाता हूँ। बाय द वे आप ध्यान से देखोगे तो हमारे को डिफॉगर मिल रहा है, हमारे को रियर वाइपर मिल रहा है, तो चलो एक बार इसका बूट भी ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे को यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। दिस इज हाउ द बूट ऑफ द कार लुक्स लाइक, काफ़ी बड़ा काफ़ी मैसिव बूट लग रहा है। इसको हम ओपन करेंगे तो नीचे हमारे को स्टेपनी भी मिल जाएगी, मुझसे भी हो नहीं रहा। ओह ये तो काफ़ी अनयूज्ड सी लग रही है भाई, ये तो बिल्कुल ही अनयूज्ड लग रही है मुझे जो स्टेपनी है। इसको कर दिया हमने बंद। अब इसमें मुझे क्या बेटर लगा पता है, Hyundai में मैं देख रहा था यहाँ से होता है वो ग्रैब हैंडल, बट इसमें बाहर की साइड पे है तो ये बेटर लग रहा है मुझे, मतलब ईजिली बंद हो सकता है। बाय द वे ये मॉडल जो है ये SX प्लस VT है। अब हम आ जाते हैं गाड़ी की राइट हैंड साइड प्रोफाइल पे एंड दिस इज हाउ द राइट हैंड साइड प्रोफाइल ऑफ द कार लुक्स लाइक। ये ना आप देख रहे हो हमारे को बॉडी कलर्ड में हमारे को इसके ORVMs मिल रहे हैं, राइट वाइट कलर की बॉडी है, बिल्कुल एक शाइनी नॉन एक्सीडेंटल गारंटी मिल रही है। दिस इज Hyundai SX प्लस VT 1.6 पेट्रोल इंजन मैनुअल वाला वर्जन है ये, पुश स्टार्ट हमारे को इसमें मिल रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाड़ी की सारी डिटेल्स है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी भी डिटेल्स है। इफ़ यू वांट दिस कार डू लेट मी नो, इफ यू वांट एनी अदर कार तो भी मुझे बताओ, मैं आपके लिए रोज़ नई गाड़ी लाने का ट्राई कर रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड टू कारगेट, बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।